जन्म से लेकर 6 महीने तक हर बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा नहीं होता। छह महीने से लेकर कम से कम 2 साल की उम्र तक बच्चों के लिए स्तनपान और ऊपरी आहार दोनों बहुत जरूरी होते हैं। 7वें महीने से माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार खिलाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चा कुपोषण से बच सके। इस तरीके से बच्चे की पूरी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। 6 महीने का बच्चा होते होते बच्चा खाने की तरफ लपकने लगता है, चीज़ों को मुंह में लाता है, तो उस समय उसको तरल पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको उस पदार्थ की ज़रूरत होती है जो बहे नहीं। बहे नहीं मतलब जो थाली में रखें तो वहीं रहे या चम्मच में रखें तो वैसे ही रहे। उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन होने चाहिए। आइए जानते हैं कि बढ़ते बच्चे के पोषण आहार के बारे में माँ को क्या परामर्श देने चाहिए। 6 से 8 महीने के बच्चे को 250 ml की आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ध्यान रखें कि खाना मसला हुआ हो। इसके साथ साथ स्तनपान करवाते रहना चाहिए। दाल में 1 चम्मच तेल मिलाएं। ये खाना बहुत पतला ना हो। ज्यादा पानी मिलाने से खाने के पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं। खाने में गाढ़ी दाल और हरी सब्जियां जरूर हों। अब हम देखते हैं कि 9 से 11 महीने के बच्चे को कैसे खिलाना है। 9 से 11 महीने के बच्चे को 250 ml की आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार दें। इसके अलावा पौष्टिक अल्पाहार जैसे कि पका पपीता, पका हुआ आम, आंगनवाड़ी आहार के लड्डू या सत्तू, पंजीरी, खीर या दही और अंडा दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। इसके साथ साथ स्तनपान करवाते रहना चाहिए। खाने के छोटे छोटे टुकड़े करके दें ताकि बच्चा चबाना सीख सके और उसे अलग अलग तरह के खाने और उसके स्वाद की पहचान हो सके। ध्यान रखें कि खाने में कम से कम 4 अलग अलग तरह का आहार हो। खाना खाने से पहले बच्चे के हाथ साबुन से धुले हुए हों। खाना खाते समय बच्चे से बात करते रहें। इससे बच्चे का खाने में मन लगता है और वो अपने आप खाना सीखता है। समय निकालकर बच्चे को खुद खाना सिखाएं और उसका हौसला बढ़ाएं। अब हम देखते हैं कि 12 से 23 महीने के बच्चे को कैसे खिलाना है। 12 से 23 महीने के बच्चे को 250 ml की एक पूरी कटोरी खाना दिन में 3 बार दें। इसके अलावा पौष्टिक अल्पाहार जैसे कि पका पपीता, पका हुआ आम, आंगनवाड़ी आहार के लड्डू या सत्तू, पंजीरी, खीर या दही और अंडा दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। इसके साथ साथ स्तनपान करवाते रहना चाहिए। बच्चे को बिस्कुट, चिप्स और जूस जैसी बाहर की चीजें ना दें, क्योंकि इससे बच्चे की घर के खाने में रुचि नहीं रहती। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। आजकल बच्चा कोई ढंग से खा पी नहीं रहा, इसलिए उसके मन पसंद का सामान लाया हूँ बाजार से। तो आप जे वापस करके वो इनके बदले में फल है, दाल है, चावल है, आप जे खिलाइए, उसमें पौष्टिक आहार मिलेगा, बच्चा की रफ्तार बढ़ेगी बढ़ने की। याद रखें कि पौष्टिक अल्पाहार में पका पपीता, पका हुआ आम, आंगनवाड़ी आहार के लड्डू या सत्तू, पंजीरी, खीर या दही और अंडा दे सकते हैं। ये सब जब कर रहे हैं तो माँ के दूध को नहीं भूलना,
छः महीने पर जितनी बार माँ अपना दूध पिला रही थी, कोशिश करें कि अपना दूध पिलाते रहें साल भर तक, उसके बाद तक, दो साल तक, जब तक बच्चा होशियार हो करके, समझ करके, दूसरों को देख करके कि और लोग तो दूध नहीं पी रहे हैं, वो अपने आप ना छोड़े, उसको दूध नहीं छोड़ा। और ये जो खाने की जैसे परंपरा शुरू किया है, अगर इस तरह से खाना खिलाते हैं तो आप सोचिए कि ना बच्चे कुपोषित होंगे, ना बच्चों को संक्रमण होगा, ना बच्चे बीमार होंगे और ना बच्चों का की जान जाएगी। आइए देखते हैं कि बच्चे के लिए स्वच्छ आहार बनाते और खिलाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खाना बनाने से पहले अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। खाने को ढककर रखें। बच्चे को खिलाने से पहले माँ और बच्चे दोनों के हाथ धुले हुए होने चाहिए। बच्चे को ताजा बना हुआ खाना खिलाएं। खाने के बर्तन साफ हों। बोतल से कभी दूध ना पिलाएं। बच्चों को मिट्टी में ना खेलने दें। बच्चे और उसके खाने को धूल, मक्खियों और पशु पक्षियों से दूर रखें। इन साफ सफाई की आदतों से हम बच्चों को बीमारियों से बचा सकते हैं। आइए देखें कि अब तक हमने ऊपरी आहार के बारे में क्या क्या सीखा है। 6 से 8 महीने के बच्चे को 250 ml की आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। 9 से 11 महीने के बच्चे को 250 ml की आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार दें। इसके अलावा पौष्टिक नाश्ता दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। 12 से 23 महीने के बच्चे को 250 ml की एक पूरी कटोरी खाना दिन में 3 बार दें। इसके अलावा पौष्टिक नाश्ता दिन में 1 से 2 बार देना चाहिए। इसके साथ साथ स्तनपान करवाते रहना चाहिए। अब देखते हैं कि बच्चे के खान पान को लेकर माँ को कौन सी 4 जरूरी बातें बतानी हैं। 1, प्रत्येक दिन कम से कम 4 प्रकार के आहार खिलाने हैं। 2, अधिक समय देकर बच्चे को खाना खाना सिखाना है और उसकी रुचि बढ़ानी है। 3, बच्चे को स्वच्छ आहार देना है और उसे रोग से बचाना है। 4, अपने और बच्चे के हाथ हर बार खाना बनाने और खिलाने से पहले साबुन से धोने हैं। बीमार बच्चे के खान पान के बारे में माँ को बताने वाली 3 जरूरी बातें। 1, अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे में माँ को बच्चे को ज्यादा बार स्तनपान करवाना चाहिए। 2 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये सबसे सुरक्षित आहार है। माँ का दूध बहुत पौष्टिक और बच्चे को बीमारियों से बचाने वाला होता है और इससे बच्चे की पानी की जरूरत भी पूरी हो जाती है। 2, बच्चे को उसकी पसंद का ऊपरी आहार देना चाहिए क्योंकि बीमारी के दौरान भी बच्चे को खाना खिलाना बहुत जरूरी है। 3, जब बच्चे की तबीयत ठीक होने लगे तो अगले 1 से 2 हफ्तों तक हर बार उसके खाने की मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। जब बच्चा खाना नहीं चाहता तो उसकी रुचि कैसे बढ़ाएं? कुछ जरूरी बातें। मेरा नाम विमला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मैं राजघाट की रहने वाली हूँ। जब मैं घर घर में जाती हूँ तो एक घर में गई तो उसमें मुझे एक ऐसी समस्या मिली जो कई घरों में देखने के लिए मुझे मिलती है। दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बच्चा ठीक से खाना खा पा रहा है? नहीं। बच्चे के लिए दाल चावल ही काफ़ी नहीं है। बच्चे के लिए जो अपने घर में बनता है पौष्टिक आहार 3-4 तरह का बच्चे को मसील के अपन दिन में 3-4 बार खिलाएंगे बच्चे के लिए। जी ठीक, ठीक है। और प्रीति जी कुछ और कुछ बनाएंगे घर में? देखो ये पपीता है, इसको मैं दिखाती हूँ कैसे मसलना है। 6 महीने के बाद बच्चे के लिए मसला हुआ खाना ताज़ा और गर्म बच्चे के लिए खाना खिलाना है। बच्चे को खाना खिलाने के पहले अपने बच्चे के हाथ और अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना है और खाना खिलाते समय बच्चे को अपने सामने बिठाना है ताकि बच्चा अपना चेहरा देख सके और अच्छे से खाना खा सके। कैसी हो प्रीति जी? जी ठीक हूँ। और क्या बच्चा अच्छे ठीक से खा रहा है? जी ठीक से खा रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है? नहीं, मेरी वजह से नहीं,
आपकी वजह से जो मैंने उस दिन बातें समझाई थी ना, आप जो सारी बातों पर ध्यान रख रही हैं और बच्चे के साथ कर रही हैं, तो आप ही की वजह से बच्चा अच्छी तरह सिखा रहा है। घर के खाने में से चुन चुन कर अपने बच्चे के लिए खाना तैयार करती हूँ और उसे सामने बिठाती हूँ ताकि वो मुझे देख सके और उसे बहुत मजा आता है खाने में। आइए ये जानते हैं कि माओं को परामर्श देने का सही तरीका क्या है। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाभी, आइए बैठिए। धन्यवाद भाभी। भाभी आइए ना, आप भी बैठिए। और बताओ भाभी कैसी हो, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी, और तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। और हमारा मुन्ना कैसा है? ये भी ठीक है, बस थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है आजकल। चिड़चिड़ा? पर क्यों? क्या कहूँ, कुछ खाता ही नहीं है। वैसे भाभी इसे दिन में कितनी बार और क्या क्या खिलाती हो? घर में जो भी बनता है वही खिलाते हैं, पर पता नहीं क्यों आजकल इसे भूखी नहीं लगती। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। भाभी जरा इसका खाना लेकर आइए। तो आजा मुन्ना बैठ जा। भाभी ऐसे नहीं, नहीं इसे ऐसे अपनी तरफ बिठा कर खिलाओ जिससे आपको देख सके। लो थोड़ा सा खाओ। शाबाश, अब मजे से खाएगा मुन्ना, है ना? देखा भाभी, इसे बस आपको मुस्कुराते हुए देखने की जरूरत थी। अगर हम बच्चे को समय देकर उसे अपने सामने बिठाकर प्यार से बातें करते हुए खिलाएंगे तो बच्चे को इस तरह खाना खाने में भी मजा आता है और आराम से खाना भी खा लेता है और उसका खाने में भी मन लग जाता है। और तो और आपको इसके पसंद वाले खाने का भी पता चल जाता है। ठीक है बहन जी, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आप बच्चे को खाना खिलाते समय पूरा ध्यान इसी पर ही रखें। माँ जी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे खाना खिलाते समय ये घर के दूसरे कामों में ना उलझ जाए। बिल्कुल ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे आप इसे अपने आप खाना सिखाएं, जैसे आप बोलना और चलना सिखाते हैं। और हाँ, अलग अलग तरह के खाने की पसंद को भी बढ़ाइए। अगर बच्चा खुद खाना पकड़ के खाना चाहे तो उसे पकड़ने दीजिए। इस तरह बच्चे की मानसिक शक्ति बढ़ती है और उसे खाना खाने में भी मज़ा आता है। और इसके पसंद के खाने को भी बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी। आइए एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि माँ को परामर्श देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, माँ के सामने उसके साथ में बैठें ताकि माँ को ये विश्वास हो जाए कि आप उसकी मदद करेंगी। भाभी आइए ना, आप भी बैठिए। दो, माँ को देखें, उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके साथ प्यार से पेश आएं। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ दीदी, और तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। और हमारा मुन्ना कैसा है? तीन, माँ की परेशानी को समझें, उसकी हमदर्द बनें और समस्या के बारे में और जानकारी लें। क्या कहूँ, कुछ खाता ही नहीं है। वैसे भाभी इसे दिन में कितनी बार और क्या क्या खिलाती हो? घर में जो भी बनता है वही खिलाते हैं, पर पता नहीं क्यों आजकल इसे भूखी नहीं लगती। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। चार, पहले माँ की समस्या का समाधान करें, उसके बाद ही कोई और सलाह दें। देखा भाभी, इसे बस आपको मुस्कुराते हुए देखने की जरूरत थी। ठीक है बहन जी, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। पांच, हर मुलाकात के दौरान परिवार के दूसरे सदस्यों से भी बात करें,
और उन्हें माँ की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। माँ जी, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे खाना खिलाते समय ये घर के दूसरे कामों में ना उलझ जाए। हाँ, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। अगर हम माँ को परामर्श देते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। खाना खाने में भी।